मस्त मैं चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं व ज्यादा से ज्यादा शेयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज हमें करेंगे प्रायोगिक के ज्यामिति क्लास 8th एक्सरसाइज 4.5, यानी जो प्रायोगिक ज्यामिति है उसकी लास्ट एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 4.5, प्रश्न नंबर है 3 बच्चों। एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ऐसे एक आयत की रचना करेंगे। करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों हमने क्या करना है, एक आयत की रचना करनी है जिसमें आसन भुजाएं 5 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर दी हुई है। आसन भुजाओं का अर्थ बच्चों क्या होता है कि जिनमें एक कॉमन शीर्ष होता है, सांझा शीर्ष होता है दोनों भुजाओं में। जैसे ए बी सी डी एक अगर आयत है तो ए बी व बी सी दोनों भुजाएं आसन भुजाएं हैं। कैसे? क्योंकि ए बी और बी सी में बी सांझा क्या है, शीर्ष है, और आयत में क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण समान होते हैं, वह आपस में समद्विभाजक होते हैं। तो सबसे पहले वही एक रफ आकृति, रफ आकृति में हमने ये एक आयत बना दिया, ये एक आयत बना दिया बच्चों हमने। आयत कोई भी आयत मान लीजिए ए बी सी डी, ये एक आयत बना दिया, इसमें 5 सेंटीमीटर वह 4 सेंटीमीटर आसन भुजाएं। अब देखिए बच्चों, इसमें आसन भुजाएं, इसका अर्थ क्या हुआ, ए बी व डी सी आसन भुजाएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें कोई भी सांझा शीर्ष नहीं है। ए बी और बी सी में ए बी बी सी, इसमें बी सांझा शीर्ष है, इसलिए ए बी व बी सी आसन भुजाएं हैं। ऐसे ही ए डी व डी सी, क्योंकि डी सांझा है, ऐसे ही डी सी व बी सी, क्योंकि सी सांझा है, यानी जिसमें कॉमन शीर्ष होता है, एक सांझा शीर्ष होता है, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है कि दोनों के अंदर हो, वो आसन भुजाएं होती है, और प्रत्येक कोण इसमें 90 का होता है। ये है हमारा एक आयत जिसकी हमने रचना करनी है। तो देखते हैं आयत ए बी सी डी। सबसे पहले बच्चों वही 5 सेंटीमीटर पैमाना लीजिए, पैमाना लेकर ऐसे 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड ए बी खींचिए, जैसे ये, और यहां पर ये ए बी 5 सेंटीमीटर लिया हमने, 5 सेंटीमीटर ए बी एक रेखाखंड लिया। अब आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम, पहले बी पर 90 डिग्री का कोण, ऐसे बी बिंदु पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 60 डिग्री की चाप है, दूसरी 120 की होती है, जैसे ये, यहां से फिर हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे ही ए बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, ए पर भी यहां से 60 और एक चाप यहां से लगाएंगे। ये बच्चों दोनों ही कोण हमारे पास 90-90 डिग्री के, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, जैसे ये 60 60 120, ऐसे चाप, ऐसे ही हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, 60 120, और ये चाप, ये। अब पैमाने की सहायता से ए बिंदु से ये हम लेंगे ऐसे, और यहां पर भी बी बिंदु से ऐसे, ये 90 के एंगल बन गए दोनों ही बच्चों, 90 डिग्री के। अब यहां पर 4 सेंटीमीटर पैमाने की सहायता से हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे ऐसे करके, 0 पर और दूसरी रखेंगे 4 सेंटीमीटर पर। अब बी बिंदु केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे, ऐसे ही ए बिंदु को केंद्र मान के एक चाप यहां लगाएंगे। जो बच्चों ये बिंदु आएगा, ये यहां पर ये कौन सा बिंदु आएगा, सी, और यहां पर ये बिंदु कौन सा आएगा, डी। अब सी डी को मिला लीजिए, अब सी डी को मिला दीजिए,
ये हमें ये सीढ़ी, ये ए बी सी डी एक आयत है। अब इसमें बच्चों रचना कैसे लिखेंगे, एक रेखाखंड फर्स्ट स्टेप, ए बी 5 सेंटीमीटर लिया, बी बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर क्या लिखेंगे, बी बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्रकार खोलकर 90 डिग्री यानी समकोण वाली रेखा को जो बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है, फिर लिखेंगे ए बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्रकार खोलकर एक चाप लगाई जो कि समकोण वाली रेखा को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है, डी सी को मिलाया गया, इस प्रकार ए बी सी डी एक अभिष्ट आयत बन गया और इसमें प्रत्येक कोण बच्चों 90 डिग्री का है, इसमें ये प्रत्येक कोण है 90 डिग्री। ये था आपका प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर है 4 बच्चों, एक समानांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई जहां ओ के और के ए 4.2 सेंटीमीटर है, क्या यह अद्वितीय चतुर्भुज है, यानी हमने ये बताना है कि क्या ये अद्वितीय है, और दो भुजाएं दी हुई है 5.5 व 4.2 सेंटीमीटर और समानांतर चतुर्भुज की हमने रचना करनी है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 बच्चों, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई की रचना करनी है जिसमें ओ के कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर और के ए 4.2 सेंटीमीटर, और हमने ये भी बताना है बच्चों क्या यह एक अद्वितीय चतुर्भुज है, अद्वितीय समानांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले वही हम एक रफ आकृति खींचेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये एक समानांतर चतुर्भुज बना ली बच्चों, कौन सी बना ली, ओ के ए वाई, ओ के ए वाई जिसमें ओ के 5.5 सेंटीमीटर और के ए 4.2 सेंटीमीटर, समानांतर चतुर्भुज है बच्चों, इसका मतलब ये भी 4.2 सेंटीमीटर है और ये भी 5.5, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है व समानांतर होती है, तो ये तो दिया हुआ है। अब इसमें यह पूछ लिया क्या यह एक अद्वितीय समानांतर चतुर्भुज है, बच्चों बताइए है या नहीं। हमने जब एक्सरसाइज 4.1 की उस टाइम पूरे विस्तार से चर्चा की थी कि कोई भी अद्वितीय चतुर्भुज कब बनती है, जब कम से कम 5 माप दी हुई हो, कहीं पर 4 भुजाएं एक विकर्ण दिया हुआ है जो हमने की, जैसे एक्सरसाइज 4.2 में किया हमने, क्या था 2 विकर्ण 3 भुजाएं दी हुई है, कहीं पर 2 भुजाएं 3 कोण दिए हुए, यानी जिस चतुर्भुज के 5 माप दिए हुए हैं उससे हम एक अद्वितीय चतुर्भुज बना सकते हैं, लेकिन इसमें तो बच्चों 4 ही माप है, 5 तो है ही नहीं, इसलिए एक अद्वितीय चतुर्भुज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो हम ये लिखेंगे क्योंकि, ऐसे क्योंकि का निशान है, चतुर्भुज के 4 माप दिए हैं, क्योंकि चतुर्भुज के 4 माप दिए हुए हैं इसलिए अद्वितीय चतुर्भुज नहीं बन सकती, तो ये बच्चों अद्वितीय चतुर्भुज नहीं बन सकती, हम कल्पना भी नहीं कर सकते जब उसके 4 माप दिए हुए, तो हमें, लेकिन इसके अंदर समानांतर चतुर्भुज तो बन सकती है लेकिन अद्वितीय नहीं, और जैसे एक एंगल मान लीजिए 60 डिग्री का ले लिया, 70 डिग्री का, जैसे एक बना के दिखाते हैं आपको कि कैसे बन सकती है, जैसे मान ओके 5.5 सेंटीमीटर, ये हम ओके लेंगे, ओके 5.5 सेंटीमीटर ये ले लिया, ये ओके ले लिया बच्चों ने 5.5 सेंटीमीटर, अब ओ बिंदु पर मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बनाते हैं प्रकार की सहायता से, ऐसे करके
थोड़ी सी प्रकार खोल लेते हैं। ये यहां से ये कट कर दिया 60 डिग्री का, ये बना। तो हमने ओ बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाया, ये जैसे बच्चों इसमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर ओ वाई। तो हम क्या करें, पैमाने की सहायता से 4.2 सेंटीमीटर खोल लेंगे प्रकार ऐसे। ये हमने 4.2 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली बच्चों। ये बिंदु कौन सा आ गया, वाई। यहां पर कौन सा बिंदु आया बच्चों, वाई। अब 4.2 के बिंदु से भी 4.2 ही इतनी गुल्ली प्रकार से एक और चाप लगा दी, और ये 5.5 है तो यहां पर ये 5.5 खोल लेंगे और इस y बिंदु से यहां पर 5.5 लगा देंगे चाप ऐसे, यहां से 5.5। तो बच्चों ये थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए ऐसे। ये अब ये समानांतर चतुर्भुज तो बन गई, जैसे इसको इससे मिलाया ओ के ए और यहां पर वाई, इसको इससे मिला दीजिए। ये बच्चों एक समानांतर चतुर्भुज बन गई 5.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। जो पूछा गया है कि 5.5 व 4.2 सेंटीमीटर ये एक समानांतर चतुर्भुज बनाइए, लेकिन इन्होंने पूछ लिया क्या ये एक अद्वितीय है, अद्वितीय तो है ही नहीं बच्चों। यहां पर 60 का कोण बना दिया, 70 का बना दे फिर भी बन जाएगी, 80 का बना दे, 90 का बना दे, 100 का बना दे, कितने का ही बनाए कोण, यानी अनेकों चतुर्भुज बन सकती है। इसलिए ये दिखाने की भी आपको जरूरत नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए किया गया है कि अद्वितीय समानांतर चतुर्भुज नहीं बनती, इसमें अनेकों चतुर्भुजें बन सकती है। हम ये लिखेंगे अद्वितीय चतुर्भुजें नहीं बन सकती क्योंकि इसके 5 मापे नहीं दिए हुए, 4 माप ही दिए हुए हैं। तो बच्चों आज की इस एक्सरसाइज में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।